सिक्स मंथ लेट आउट है और सिक्स मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो क्या करना है? ऐसी जब भी कैलकुलेशन आती है तो अलग अलग ऑथर के अलग अलग कैलकुलेशन के पार्ट हैं, हर ऑथर अपने अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट कर रहा है। लेकिन अपने सिंपल है कि अगर एक भी दिन प्रॉपर्टी लेट आउट हो गई तो उस प्रॉपर्टी की इनकम लेट आउट हाउस की तरफ ही आ रही है। एक दिन भी लेट आउट हो गई उसकी इनकम आ रही है तो आपको इनकम के लिए फॉर्मेट कौन सा यूज करना है? माना कि ये प्रॉपर्टी है, इसमें अपन वैकेंसी और अनरियलाइज को हटा देते हैं और इन दोनों की जगह लिख देते हैं सिक्स मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, बिल्कुल सेम। अब कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा अगर वैकेंसी और अनरियलाइज हटा दी? सिर्फ ये हो गया सिक्स मंथ लेट आउट सिक्स मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो यहां क्या चेंज आएगा? इसको चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो अपन वापिस ही करा देते, स्टेप फर्स्ट तो अभी भी यही रहेगी, स्टेप सेकंड में चेंज आएगा। स्टेप सेकंड सिक्स मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सिक्स मंथ ही लेट आउट है, तो स्टेप सेकंड आएगी सिक्स इंटू सिक्स थाउजेंड, ये हो जाएगी 36। यहां पर ये विच एवर इज हायर, तो ये हो जाएगा आपका 60। वैकेंसी हमने जीरो कर दी क्योंकि वैकेंसी हटा दी। यहां पर जीएवी, जीएवी कितनी आएगी? 60 लेस म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स आएंगे 6000 और ये आ जाएगा 54 आते हैं, ये 17400 मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी कुछ पार्ट लेट आउट कुछ मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको लेट आउट की तरह ट्रीट करना। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड सिर्फ एक कंडीशन या दो कंडीशन में, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस वैकेंट। अगर कहीं भी लेट आउट वर्ड आ गया तो लेट आउट वर्ड आते हैं उसका फॉर्मेट लेट आउट का फॉर्मेट आएगा, उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड से कोई लेना देना नहीं रहेगा। चाहे वो एक ही मकान, आप कहेंगे सर एक मकान तो एग्जम्प्ट होता, एक मकान हमारे एग्जम्प्ट हो जाता हम एग्जम्प्ट कर देते, लेकिन उसने इसको क्या कर दिया? और जैसे लेट आउट हो गया अब इसकी इनकम लेट आउट हाउस की तरह निकलेगी क्योंकि इनकम अर्न करना, इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के सारे रूल्स फॉलो करेंगे, ये जो फॉर्मेट है लेट आउट का उसको यूज करेंगे। अब हम लेट आउट मान रहे हैं उसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना पीरियड था उसको हटा रहे, मकान लेट आउट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो ये कहीं नहीं है कि आप एक मकान का एग्जाम करना ही करना, एक मकान एग्जाम तब करना है जब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह यूज करना, अगर उससे भी इनकम अर्न होने लग जाएगी तो एग्जम्पशन के बजाय हम इसको इनकम टैक्स में इनकम के फॉर्मेट में लेंगे। इस कंडीशन में मेरे ख्याल से बात की कोई कंफ्यूजन नहीं लगना चाहिए, ये दोनों कंडीशन अपन ने पढ़ ली, एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड एक लेकर। कई बार क्वेश्चन में अपने पास एक क्वेश्चन एक पॉइंट और आता है कि साहब एक से ज्यादा ओनर को ओनरशिप हो तो क्या होगा? आप कई क्वेश्चन देखेंगे उसमें कहेंगे कि दो ब्रदर का जॉइंट मकान है, अब दो ब्रदर का एक साथ जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसका क्या है? तो अपन यहाँ पर उस चीज को भी डिस्कस कर लें कि अगर किसी प्रॉपर्टी के दो ओनर है तो हमारे पास इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इस प्रॉपर्टी के दो हिस्से अगर हो सकते हैं तब तो हम इनको अलग अलग पोर्शन का ओनर मानकर अलग अलग इनकम ही कैलकुलेट कर लें। एक्स क्या कर रहा है, वाई अपने पोर्शन का क्या कर रहा है, दोनों को दो पोर्शन अलग अलग मान के दो असेसिंग ट्रीट करें। लेकिन अगर इनका पोर्शन तो सेपरेट नहीं है, जॉइंट ओनर है और इन्होंने जिस टेनेंट को लेट आउट किया है वो कॉमन है कि जेड को पूरी प्रॉपर्टी दे दी, ओनर दो किराएदार एक, Z को लेट आउट कर दिया इन्होंने वही 7000 पर मंथ सपोज। अब ये हो गए को ओनरशिप, को ओनरशिप में होगी तो मकान के दो ओनर है लेकिन इनकम हम एक साथ निकालेंगे Z की इनकम से, Z कितना किराया दे रहा है उससे इनकम निकालेंगे, ये जो इनकम आएगी
इस इनकम के अब हम दो पोर्शन करेंगे, 50% तो एक्स के टैक्सेबल और 50% इसमें से वाई के टैक्स। एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो को ओनरशिप में आती है, को ओनरशिप में आती है तो दोनों अपने अपने पोर्शन के इनकम सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कॉमन किराए पर दे रखा है तो इनकम एक बार निकाल लें और उस इनकम को निकालने के बाद उस इनकम के दो टुकड़े कर दें, जितना पोर्शन जिसका है उसको उतने परसेंट से टैक्सेबल कर, ये को ओनरशिप का काम है। अब हाउस प्रॉपर्टी में अपने पास टेक्निकल अप्रोच अपन ने समझ ली, प्री कंस्ट्रक्शन अपन ने निकाल लिया, फॉर्मेट अपन ने पढ़ लिए, एक लैंड आउट का, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का, इसके बाद ऐसा कुछ ऐसा पोर्शन नहीं जिसको अपने को समझना हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के साथ फैसिलिटी भी लेट आउट होती है, उसकी इनकम कैसे निकालनी उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है और उसके साथ उन्होंने कुछ फैसिलिटी भी दी है तो एक्चुअल रेंट को क्या मानना है उसको आपको ध्यान रखना। एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को लेट आउट है, लेट आउट करने में उन्होंने कहा कि 20,000 पर मंथ का रेंट मुझे मिलेगा। वाई ने कहा सर मैं 20,000 का रेंट आपको दे दूंगा लेकिन मुझे कुछ फैसिलिटी चाहिए। एक्स ने कहा कौन सी फैसिलिटी चाहिए, तो उसने कहा कि साहब एक तो वॉचमैन आपका वहां पर हमेशा रहेगा, तो 20,000 में एक कंडीशन तो ये कि वॉचमैन आपका, वॉचमैन की सैलरी होगी 3,000। फिर उन्होंने कहा गार्डन आपको मेंटेन करना है तो गार्डन मेंटेन करने का खर्चा और हमारे हो गया 3,000। फिर गार्डन की लाइटिंग ये आपको करनी है, मैं अंदर का बिल तो मैं भरूंगा, बाहर का बिल लाइटिंग का और गार्डन का ये आपको देना। अपन ने किराएदार की इन तीनों कंडीशन को मान लिया कि साहब वॉचमैन हमारा रहेगा, गार्डनर हमारा रहेगा और ओपन स्पेस की इलेक्ट्रिसिटी हमारी रहेगी। 20,000 में उन्होंने एग्री तो कर लिया, तो अब इनकम टैक्स में पॉइंट आएगा कि हाउस प्रॉपर्टी की रेंट कितनी आई। तो हाउस प्रॉपर्टी की रेंट में तीन अमाउंट तो फैसिलिटी का है, तो फिर उसके बाद हमारे पास अमाउंट कितना बचता है 11,000। तो जब भी एक्चुअल रेंट की बात आएगी फिर हमारी एक्चुअल रेंट कितनी हो जाएगी 11,000। अगर कोई आदमी टेनेंट किराएदार उस किराए में किसी भी अमाउंट का पेमेंट साथ में कर रहा है कि साहब ये फैसिलिटी का पेमेंट है तो हमें तो रेंट का अमाउंट चाहिए आपके लिए, अगर ये खर्चा हमें करना ही है तो फिर मकान का किराया आपने कितना दिया 11,000। तो हर अलग में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी 11,000 पर मंथ, ये एक्चुअल रेंट कहलाएंगे और इसके अकॉर्डिंग ये टैक्स। तो सर एक्चुअल रेंट निकालने का भी कोई कंडीशन में ऐसा पॉइंट आ जाए तो उसको आप ध्यान रखना कि कंपोजिट रेंट इसको बोलते हैं, जिसमें रेंट के अलावा फैसिलिटी का अमाउंट भी साथ में मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से सारे फॉर्मेट और सारी टेक्निक अपनी हो गई। मकान किस तरह के होंगे वो बताएगा, उसको अपने को उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। कई बार एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता है कि साहब एक्स के पास तीन प्रॉपर्टी है, अपने कोई इतराज नहीं, तीन और चार, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है तो वो बताएगा कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेट आउट। वो कहे साहब ये तो 12 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये भी 12 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये 12 मंथ लेट आउट। पहली बात तो ये कि जैसे ही लेट आउट हुआ इसके लिए तो फॉर्मेट कौन सा यूज आ जाएगा अपना लेट आउट। अब दो सेल्फ ऑक्यूपाइड इसका क्या करना है, तो कल अपन ने इस पर डिस्कस भी किया था कि जिसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा हो उसको हमें एग्जम्प्ट कराएं और जिसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कम हो उसको वापस लेट आउट की तरफ ट्रीट करें। माना कि इसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन तो 80,000, इसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन 90,000, ये तो हो जाएगी एनुअल वैल्यू नील। और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन, इस प्रॉपर्टी की इनकम अब अपन किसकी तरह निकालेंगे, लेट आउट हाउस की तरह, डीम्ड टू बी लेट आउट, और इसके लिए ये कई फॉर्मेट यूज करेंगे। और इसी फॉर्मेट में अब आप कहेंगे तब ये फॉर्मेट यूज करेंगे तो स्टेप सेकंड क्या लिखेंगे,
इस हाउस के लिए स्टेप सेकंड सबसे आएगी। स्टेप फर्स्ट तो आ जाएगी यहाँ पर 80,000 और स्टेप सेकंड यहाँ पर आएगी नेट, इसकी सीधी जीए भी आ जाएगी 80,000, क्योंकि हम इसको ड्यू टू बी लेट आउट ट्रीट कर रहे हैं। ये लेट आउट हुआ नहीं है, दो मकान हम यूज कर रहे हैं, एक को एग्जम करवा रहे और एक को लेट आउट ट्रीट करवा रहे हैं। ट्रीट करवा रहे तो इसकी जो स्टेप फर्स्ट आएगी वही सीधी जीएबी के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। इसमें एक्चुअल रेंट, वैकेंसी, अनरियलाइज्ड, ये वर्डिंग नहीं आ सकती क्योंकि आपने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। तो फॉर्मेट तो यही रहेगा लेकिन इसकी स्टेप सेकेंड हो जाएगी, आगे ऐसा कैसे फॉर्मेट चलेगा। इस कंडीशन में मेरे ख्याल से एक सिचुएशन जिसमें स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं उसको और डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि प्रॉपर्टी तो दो है, इस प्रॉपर्टी को 8 मंथ तो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज किया, 4 मंथ इसको लेट आउट, और दूसरी प्रॉपर्टी जो 8 मंथ तो लेट आउट थी और 4 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड। कई क्वेश्चन में कहता था 8 मंथ के लिए तो इस तरह, उसके बाद 4 मंथ के लिए उधर चला गया, इसको लेट आउट कर, पहले वो लेट आउट था फिर 4 मंथ के लिए उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर। क्वेश्चन लिखता इस तरह से है जैसे अपन कंफ्यूज हो जाएं कि साहब अब कौन सा मकान एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अपन ने सेक्शन 23(2)(a), 23(3)(a), 23(4) ये सेक्शन अपन ने अलग अलग देखे थे। इन सेक्शन में 23(3)(a) का सेक्शन है, उस सेक्शन का सिंपल सा लॉजिक ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेट आउट हो गई तो इस प्रॉपर्टी के लिए आपको फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, लेट आउट। ये भी 4 मंथ, ये 8 मंथ के लिए लेट आउट है तो इसके लिए भी कौन सा फॉर्मेट यूज करें, लेट आउट। दो प्रॉपर्टी दोनों को कुछ कुछ टाइम के लिए लेट आउट कर दिया तो अब इनमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड का एक्सेप्शन ही नहीं देंगे, दोनों को लेट आउट की तरह ट्रीट करते हुए अपन इसकी इनकम। तो सर जब भी कैलकुलेशन करनी हो दो चीजें एकदम क्लियर रखें, एक तो फॉर्मेट कुल दो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। सेकेंड, एक भी दिन लेट आउट हो गई प्रॉपर्टी तो उसके लिए फॉर्मेट लेट आउट का लगेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं। ये अलग अलग तरह की सिचुएशन आपकी इच्छा हो जैसे मकान की अलग अलग सिचुएशन में अपने को अलग अलग कैलकुलेशन करनी, कौन सा फॉर्मेट यूज करेगा सिर्फ वो अपने को निकाल कर। कंस्ट्रक्शन से पहले के पीरियड का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन। एक एग्जांपल लेकर अपन इसको समझ लेते हैं। सपोज किसी ने अप्रैल 2018 में लोन लिया 1,12,000, अब उसका कंप्लीशन, हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन होते होते हुआ 1 जुलाई 2020, लोन लिया 18 को 1,12,000, कंप्लीशन हुआ 1 जुलाई 2020। अब इस पीरियड में जिसने लोन दिया वो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा, होना चाहिए। अब वो इंटरेस्ट लेस किस में से होगा तो अपने पढ़ा अभी कंस्ट्रक्शन के लिए इंटरेस्ट होगा तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से लेस होगा। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से लेस होगा तो हाउस प्रॉपर्टी बनी जुलाई 2020 में तो हाउस प्रॉपर्टी में से कैसे लेस होगा, तो उसको लेस करने का क्या तरीका रहेगा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से लेस करना है तो आप ये माने कि जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई तब तक तो हाउस प्रॉपर्टी वर्ल्ड ही नहीं है, तो जुलाई से पहले तो हाउस प्रॉपर्टी वर्ल्ड ही नहीं आएगा। अब इस इनकम को लेस, इस इंटरेस्ट को लेस भी करना, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। उन्होंने कहा था कि 1819 में लोन लिया तो 1819 इस पीरियड का इंटरेस्ट बना 12,000 और 1819 में अपने पास प्रॉपर्टी नहीं थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो जो इंटरेस्ट लोन देने वाला उसको तो इंटरेस्ट देना है और अपने पास हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 1920 इसके 12,000, ये 24,000 हो गए और इस पीरियड में भी प्रॉपर्टी अपने पास नहीं है क्योंकि अभी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन। अब
फाइनेंशियल ईयर देखें 18-19, 19-20, इन दोनों में इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है लेकिन अपने पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। इधर हाउस प्रॉपर्टी के रूल में लिखा है कि ये इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से लेस होगा। जब हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो इनकम कब आएगी? इनकम अपनी स्टार्ट होगी फाइनेंशियल ईयर 2020-21। एक जुलाई को कंप्लीट हो गया, इसका मतलब अभी ये मकान अपने पास 2021 में अपने पास आ जाएगा। 2021 में इसके एक्चुअल रेंट आएगी, जीएवी एनएवी सब निकालेंगे, जो भी इनकम आएगी वो 2021 में टैक्सेबल होगी। तो 20 और 21 का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 12,000, ये तो किस ईयर में लेस हो जाएगा? अब रहेगा इस 24,000 को कैसे लेस करना है, क्योंकि इसके लिए न तो मकान था उस पीरियड में और इसको करना भी हाउस प्रॉपर्टी से लेस है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल लिखा हुआ है, जिस दिन लोन स्टार्ट हो वहां से लेकर जिस दिन कंप्लीट हो उससे जस्ट पहले की 31 मार्च 2020, इस पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपका कितना होना 24,000। मार्च के बाद का इंटरेस्ट तो आपको करंट ईयर में लेस करना है जब कंप्लीट हो जाए उस ईयर, लेकिन उससे पहले पहले का इंटरेस्ट, क्योंकि उस ईयर में इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और प्रॉपर्टी नहीं है, इन दो सालों का इंटरेस्ट आपको हाउस प्रॉपर्टी से लेस करना है। और उसके लिए एकदम सिंपल सा प्रोविजन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंप्लीशन वाले ईयर से 1/5, 1/5, 1/5, 4 सब्सिक्वेंट ईयर में और लेस हो जाए। 24,000 का 1/5 इस 12,000 के साथ वो रेट हो जाएगा, तो ये हो गए 4,800। तो इस ईयर का अपना इंटरेस्ट हो जाएगा 16,800 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, जिस दिन लोन ले वहां से स्टार्ट होगा, जिस दिन कंप्लीशन होता है उससे जस्ट पहले की 31 मार्च तक का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट की डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंप्लीशन वाले ईयर से होगी, पहले इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने वाले ईयर से, नेक्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट 4 ईयर में, और उसके बाद केवल करंट ईयर का इंटरेस्ट चलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा, 5 साल के बाद इसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी। आप अपन देखें तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर हो गया कि लोन लेने की डेट और कंप्लीशन की डेट से जस्ट पहले की 31 मार्च कैलकुलेट करनी है। इस पीरियड का जितना इंटरेस्ट बनेगा उसका 1/5 प्लस करंट ईयर का इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट नॉर्मल होगा। एक एग्जांपल और लेकर समझा देता हूं ताकि इंटरेस्ट ऑन लोन में प्री कंस्ट्रक्शन ही सबसे टिपिकल पॉइंट है, यह आपको समझना आना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, फर्स्ट अप्रैल 2017 को 1 लाख का लोन, 1 अप्रैल 2018 को 1 लाख और लोन लिया उसने, और कंप्लीट हो गई प्रॉपर्टी 1 मार्च 2021। अब अपने पास प्री कंस्ट्रक्शन निकालना है तो सिंपल सी कैलकुलेशन अपनी, जिस दिन लोन लिया वहां से ये पीरियड स्टार्ट होगा, जिस दिन कंप्लीट हो रहा उससे जस्ट पहले की मार्च, 1 मार्च 2021, तो उससे पहले की मार्च जाएगी 31 मार्च 2020। यहां तक का जितना इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा? आपका प्री कंस्ट्रक्शन। और इसकी कितनी डिडक्शन देनी? 1/5, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो जब आपके पास लोन की अमाउंट है, लोन है, पीरियड है, तो इसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। यहां से लेकर यहां तक तो 1 लाख का इंटरेस्ट, यहां से लेकर यहां तक इस पीरियड का लगेगा 1 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख का इंटरेस्ट, तो 2 लाख प्लस 1 लाख, इस पूरे इंटरेस्ट को जोड़कर उसका वापस कितना करना है? 1/5। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 1 लाख फॉर 1 ईयर प्लस
2 lakh, 12% for 2 years, और इन दोनों की जो टोटल आएगी 12,000 प्लस 24, 24, 48,000, ये टोटल हुई 60,000, और इसका भी 1/5, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अपना कितना आएगा 12,000। 5 किस्तों में इसका डिडक्शन मिलना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और उसको 5 किस्तों में लेस करें, प्लस इसके अंदर करंट ईयर का तो आएगा ही आएगा, टोटल डिडक्शन 36 हो जाएगा, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन जो कैलकुलेशन मेन है उसको निकालने का तरीका यही है कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आप 5 किस्तों में लेस करें और 5 किस्तें आपको कंप्लीशन वाले ईयर से 1/5 to 1/5 5 इंस्टॉलमेंट में लेस करें। मेरे ख्याल से यहां तक किसी चीज में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है सर? थोड़ा यस सर, ये कैलकुलेशन आपको समझना इंटरेस्ट ऑन लोन। जो फॉर्मेट अपन ने देखा वो फॉर्मेट में 3 स्टेप में जीएबी म्यूनिसिपल टैक्स लेस करते हैं एसएमई, 2 डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करते हैं इनकम, और इंटरेस्ट ऑन लोन में जो कैलकुलेशन है वो अपने कैलकुलेट करना सीख लिया। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा उसमें और भी कोई कंडीशन होगी तो उसको अपन देखेंगे, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन अपने यहां तक कैलकुलेशन में आ गया। अब इसके आगे हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी कुल 2 तरह की, या तो हाउस लेट आउट हाउस होगा और या फिर हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा, 2 के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, या तो हाउस लेट आउट हाउस होगा या फिर हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा, इन 2 के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, मकान या तो लेट आउट होता है या सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो अपन ने इतना सारा फॉर्मेट देखा वो सब किसके लिए था, लेट आउट हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की इनकम कैलकुलेट करनी है, इस इनकम को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मेट है, इसकी एनुअल वैल्यू होती है हमेशा निम और लेस इसमें से होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये हो जाता है इसमें नेगेटिव कर देता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी इनकम को ये नेगेटिव कर देता है। मकान कुल 2 तरह के होते हैं, एक लेट आउट एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब भी अपन डिस्कस करते हैं तो बार बार स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि सर वो हर मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड ही बता देगा, लेट आउट क्यों बता रहा है? डिपार्टमेंट को ये भी ध्यान है कि असेसी इनकम छुपाएगा, तो डिपार्टमेंट ने रूल ही उसी तरह के बनाए। अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हाउस प्रॉपर्टी में सिंपल सा रूल है कि एक हाउस प्रॉपर्टी आपकी चॉइस से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ट्रीट हो जाएगा, बाकी जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी जिसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कह रहे हैं वो सारी की सारी डीम टू बी लेट आउट, लेट आउट हाउस की तरह ट्रीट होगी और इनकी इनकम जीएबी से निकलेगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, फिर एनएवी निकालेंगे और फिर इनकम आएगी। तो डीम्ड इनकम मतलब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होने पर डीम टू बी लेट आउट मानते हुए आपको इनकम पे टैक्स देना है, क्योंकि अगर इस चीज को अपन कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर तो कोई आदमी 50,000 भी होगा तो कह देगा सब मेरे तो इनकम और हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, एक में मेरा ये रिश्तेदार रहेगा, एक में मैं रहता हूँ, एक में मेरा माता पिता रहता है, एक में बच्चे पढ़ रहे, एक में कुछ और हो रहा है, कोई भी आदमी लेट आउट बताएगा। इसलिए सिंपल सा रूल है कि एक प्रॉपर्टी आपकी चॉइस से सेल्फ ऑक्यूपाइड और बाकी की प्रॉपर्टी सारी की सारी लेट आउट, और ये डीम टू बी लेट आउट नॉमिनल इनकम मानते हुए आपको उस पर टैक्स देना है, डीम इनकम मानते हुए टैक्स देना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हाउस प्रॉपर्टी को इस तरह छोड़ देंगे तो हर आदमी कहेगा कि मेरे न तो मकान में इनकम है न किराएदार है, कौन सा टैक्स? तो गवर्नमेंट ने अलग अलग कंडीशन लगाकर इसके रूल बनाए कि आपको इनकम पे टैक्स देना पड़े।
अपन पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड समझ लेते हैं, फिर डीम टू बी लेट डाउन वापिस आएगा, आगे अपन डिस्कस करेंगे। पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर मेरे पास एक ही मकान है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी इनकम को आपको नेगेटिव ले जाने का पावर है, बशर्ते इंटरेस्ट ऑन लोन हो। इनकम नील एनुअली नील लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये इसको क्या करेगा, नेगेटिव, ये इसको नेगेटिव कर देगा। ये किसी भी इनकम से आगे सेटअप हो जाएगी जो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी नेगेटिव इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की आ सकती है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो। दो तरह की कुल प्रॉपर्टी है, या तो लेट डाउन डीम टू बी लेट डाउन या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड, और कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं इसकी। या तो फॉर्मेट लेट डाउन का लगेगा या फॉर्मेट सेल्फ ऑक्यूपाइड का लगेगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का फॉर्मेट केवल दो लाइन में है, एनुअली नील लेस इंटरेस्ट ऑन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में भी यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना नेगेटिव जा सकता है। तो पहले ये 30,000 तक माइनस में जा सकता था, 99 के बाद इसको 2 लाख रुपीज तक माइनस में जाने की पावर है। ये 24B में कंडीशंस में लिखा हुआ है, 99 के बाद लोन हो, परचेज कंस्ट्रक्शन हो और विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाए तो 2 लाख तक, और अदरवाइज 99 से पहले का है या रिपेयर रिनोवेशन का लोन है तो उसका मैक्सिमम डिडक्शन ही कितना मिलेगा, 30,000। किसी का इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा बन भी रहा है तो मैक्सिमम इनकम नेगेटिव जाएगी 2 लाख तक, इससे ज्यादा वो नेगेटिव इनकम नहीं जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मैक्सिमम 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन के कारण नेगेटिव जा सकता है और ये इनकम इसको नेगेटिव कर देती है। 99 के बाद है तो 2 लाख तक, 99 से पहले का लोन है तो 30,000 तक, परचेज कंस्ट्रक्शन का है तो 2 लाख तक, रिपेयर रिनोवेशन है 30,000 तक। इन कंडीशन को आप 24B में अपने नोट्स पे पढ़ रहे हैं, आप उस नोट्स में साफ साफ ये इंडिकेशन है कि किस कंडीशन में 2 लाख जाएगा, किस कंडीशन में 30,000 जाएगा। लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड, दो तरह के हाउस, दो तरह के कैलकुलेशन, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो इन दोनों फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट लगेगा और कैलकुलेशन। अलग अलग सिचुएशन में अगर अपन चाहें तो इस पोर्शन को आप डिस्कस कर सकते हैं। जब भी एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड में चॉइस करने की बात आती है तो कंफ्यूजन भी रहता है, कौन सा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, कौन सा डीम टू बी लेट आउट माने। तो जब भी आपको दो प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ रहेगा तो इनकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी आपके पास होगी, इसकी 1 लाख, इसकी 1,30,000, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इनकम टैक्स ले रहा दोनों में से एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना, एक को लेट आउट ट्रीट करेंगे। तो जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन आए एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो पहला बेस अपने पास यही रहता है कि जो ज्यादा म्युनिसिपल वैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी हो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और इसको लेट आउट माने, ताकि इस पे 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग जो इनकम आए उस पर टैक्स लगे, इधर 1,30,000 के ऊपर जो टैक्स लगना वो लगेगा। इन दोनों में पहली सिचुएशन तो यही है कि जिसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर ले। सेकेंड, इस कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट का फिगर आगे पीछे है तो आपको फिर इसको दो बार कैलकुलेट करना, एक बार इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना, एक बार इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना, एक बार इसको लेट आउट मानना, एक बार इसको लेट आउट मानना। इन दोनों कॉम्बिनेशन में जिसमें इनकम कम आया वो अपना बेस्ट ऑप्शन है और जिसमें इनकम ज्यादा आया उस ऑप्शन को अपन छोड़ देंगे। तो जब भी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो जनरली म्युनिसिपल वैल्यूएशन से डिसाइड हो जाती है। इंटरेस्ट का फिगर अगर ज्यादा बड़ा नहीं हो तो वो कहीं इंटरफेयर नहीं करता है, फिर भी अगर इंटरेस्ट का अमाउंट बड़ा हो तो फिर आपको दो बार कैलकुलेट कर लेना ज्यादा इजी है। एक बार एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, एक को लेट आउट, दूसरी बार इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, इसको लेट आउट, दोनों को जोड़ो, जिस ऑप्शन में इनकम कम आए वो ऑप्शन बेस्ट, क्योंकि अपन डीम टू बी लेट आउट पे टैक्स दे रहे हैं तो अपन वो चॉइस करेंगे जिसमें हमारा टैक्स कम से कम लगे, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, दो तरह की प्रॉपर्टी, दोनों के फॉर्मेट और दोनों के बारे में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ये अपन ने अब तक समझ लिया। अब इस दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है
दोनों फॉर्मेट आपके पड़े हुए, अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन उठाएंगे और फिर अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे कि भाई कैसे ऑटोमेटिक इनकम को टैक्स करना होता है। ठीक है सर, कल अपन इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।